मैं हूं करण कुंद्रा एंड दिस माय फ्रेंड्स इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां आप मिलेंगे 10 स्टनिंग, सेंसेशनल एंड मोर इम्पोर्टेंटली सिंगल लड़कियों से जो कि ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच. डेट्स, रोमांस, इमोशंस, ड्रामा, झगड़े, रेवलेशंस एंड देन प्रपोजल. उनकी ये जर्नी होने वाली है एक्शन पैक. हर लड़की यहाँ मिलेगी अपने 5 मैचेस से और फिर शुरू होगी उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस लव स्टोरी. तो चलिए देते हैं रोमांस को चांस और मिलते हैं हमारी पंजाब की शेरनी नीत. हाँ भी काके, इनु पूर्दा सबके बस की बात नहीं है मुझे हैंडल करनी, बहुत टफ हूँ. हाय माय सेल्फ नीत, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन मॉडल हूँ. From very young age, मेरे अंदर ये एक आग थी कि यार मुझे कुछ करना है. एक सिंपल लाइफ, एक स्मॉल टाउन गर्ल वाली ना, मैं इसके साथ नहीं जी सकती. मेरे लिए चैलेंजिंग था घर से बाहर जाना. मेरी फैमिली वॉज नॉट एट ऑल सपोर्टिव फॉर दिस. स्टिल आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई हैव प्रूव्ड इनफ. आई एम हेयर टू फाइंड आउट माई मिस्टर परफेक्ट. उम्मीद है कि इस शो के जरिए मुझे अपना एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा. सिर्फ शोला नहीं, मैं हूँ आग. कंट्रोल किसी से नहीं होने वाली. कोशिश की तो हो जाओगे खाना. मेरा बंदा होगा वो जो दिल और लुक दोनों से होगा गबरू. कोई डाउट मत रखना, एब और एब दोनों की समझ है. आई गॉट माय आईज ऑन यू. हाय, हाउ यू नीत? Very well. Welcome on the show. Thank you so much. Very well. तो गबरू मुंडा ढूंढ रही हैं आप? बिल्कुल जी, क्योंकि पंजाब की लड़कियां होती शेरनी है, सो उनको गबरू लड़का ही चाहिए और गबरू लड़के के बिना उनका कोई गुजारा ही नहीं हो सकता. आप कहती हैं कि आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? मैं बहुत ही ब्लंट हूँ, बहुत बोल्ड हूँ. जो मुझे लगता है मैं बोल देती हूँ. मैं उसके कहने पर इसको सही या गलत को सही नहीं कहूंगी. इज इट? या नीत, आपने हमें बताया था कि आपने हमेशा बोरिंग लड़कों को डेट किया, थोड़ा समझाओगी? बोरिंग मतलब इट शुड बी लाइक कि वाओ वी आर टुगेदर, वो लवी डवी फीलिंग, वो चीज, वो इट शुड बी देयर. और व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाता है, व्हिच आई डोंट वांट. एंड वी शुड बी पार्टनर्स इन क्राइम, यू नो. सो कंपैटिबिलिटी. या नीत, हर रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी चीज होती है जिससे खत्म हो जाता सब कुछ, लाइक अ डील ब्रेकर. आपके लिए वो डील ब्रेकर क्या है? See, मेरे लिए लॉयलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे कहीं से भी 1% लग रहा है कि he is not loyal for me at all, so बस वहाँ पे फिर या तो मैं उसको मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी. Okay then. तो चलिए नीत, आपकी मेंटल चेकलिस्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि लड़कों से मिलने का टाइम आ चुका है. Wow, I'm so excited. अब आप अपने 5 मैचेस से मिलेंगी. मेरे दिल के अंदर गुब्बारे फूटने लगे. Because I was really excited, यार 5 लड़कों को मिलने वाली हूँ और हो सकता है उनमें से एक मेरा प्रिंस चार्मिंग हो. शो के हर स्टेज पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने चॉइसेस को नैरो करती चली जाएंगी. Yes. 5 से 3, 3 से 2 एंड फाइनली द 1 and only. नीत, इस राउंड में आपको लड़कों को रेट करना है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बेसिस योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देम. लड़के होंगे दरवाजे के उस पार, वो आपसे बात करेंगे, आपको चार्म करने की कोशिश करेंगे. Okay. लेकिन अपना चेहरा दिखाए बिना. My God, that's going to be really difficult. मतलब सुनकर कैसे पता चलेगा? मे भी हो सकता है कि वो बातों में इम्प्रेस करे, बट देखने में वो पता नहीं कैसा होगा. नीत, लड़कों को मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड आपको इम्प्रेस करने के. Okay. और जैसे ही उनका वक्त खत्म होगा तो बजेगा घंटा. Okay. तो चले नीत, मिलते हैं लड़का नंबर 1 से. Wow. जो कि है दिल्ली का डोलेवाल. Wow, so you are the woman of the night and the whole spotlight is on you and I must tell you, you deserve every bit of it. Hi, मेरा नाम है अमन चौधरी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. हम पंजाबियों की ना खासियत होती है कि हम जिससे भी जुड़ जाते हैं ना उसको कभी बोर नहीं होने देते. Apart from good sharp looks, I guess you don't want to miss a guy with clean chiseled body, six-pack abs and those green hazel eyes. My God. I know you don't like raisins, cause I'm gonna be a perfect date for you. So I'll see you soon, beautiful. Nice, impressive. Basically, वो कह रहा है कि वो आपके लिए खजूर होगा, मिश्री नहीं हो. But बोलता बहुत ज़्यादा नहीं है. और ऐसा भी हो सकता है कि नीत आपको देख के उसकी थोड़ी सी फट गई हो.
पट्टी तो डेफिनेटली होगी। तो अब नीत आपको अमन को रेट करना है 0 से लेके 10 के बीच में। उसकी बातों से मुझे लगा कि वैसा है जैसा मुझे थोड़ा सा चाहिए और उसकी हाइट वाइट गुड लुकिंग होगा, सो आई विल गिव हिम 8। 8? हाँ, पहली बारी में ही 18। Because मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है, वो दिल्ली का लौंडा है, सो सही होगा। तो सही होगा, हाँ लग रहा है मुझे ऐसा। सो लाइट्स कैमरा एंड एक्शन के साथ आ रहे हैं हमारे बॉय नंबर 2 जो कि हैं हीरो। हाय नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कस्सा काय प्रणाम, मैं हूँ लखनऊ से आशीष सिंह और मैं यहाँ पिछले 4-5 साल से हूँ। बस यही कहना चाहूंगा कि पता नहीं कौन सा नशा करता हूँ, रोज रोज डेटिंग ऐप पे मजे करता हूँ। ओके, दैट्स इट, बस या 30 सेकंड हो गए मेरे लिए, आज बहुत है। अरे वाह आशीष, इतना कॉन्फिडेंस। मुझे ये फिलॉसफी उसकी समझ नहीं आएगी यार, जब तक तुम बोलोगे नहीं मुझे समझ कैसे आएगा तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। दिस इज डिसपॉइंटिंग, आई मीन मजा नहीं आया यार। आप क्या रेट करेंगे आशीष को 0 से 10 के बीच में? आई विल गिव हिम 6। ओह वेल, 6 भी अच्छा है, ठीक है, मतलब एवरेज है। आगे आ रहे हैं हमारे दिल फेक रैपर बॉय नंबर 3। ओ डैम यार, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एडोरेबल हो। वेल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बट एक अलग तरीके के साथ। वे मेरा ना आई स्माइल है के मैं तोप दी मिसाइल ना कर मन मानिया जब बना मैं तेनू अपनी में रानी नाले कर दा मैं वीडियोस एडिट तेरे लाइफ च करंगा सोनी चीजा नु वी एडिट देवंगा तेनू अपने प्यार दा कर एडिट में ये लग दी तू मॉडल जिवे आई मॉडल टाउन तो दिल मेरा हिलाता तेरे लॉन्ग ड्रेस डाउन तो लिशकारे मार दी तेरी जूती तेरे पांव तो करी ना मैनू मना कोल तेरे आऊं तो ये सोनी। वाओ, नीत को जब इंप्रेस करना हो तो उसकी बहुत सारी तारीफ कर देनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, क्या रेट करेंगी आप इस स्माइल को? मेरी तारीफ तो कर दी बट अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे लग रहा है आई विल गिव हिम 7। और अब मिलते हैं हमारे अगले लड़के से जो कि डेटिंग एप्स के बहुत बड़े फैन एंड अ रेगुलर यूजर टू। कहते हैं कि प्यार करने का कोई सही वक्त नहीं होता, मैं कहता हूँ जब मिल जाए कर लेना चाहिए। हाय मेरा नाम है दानिश, दानिश का मतलब अकलमंद, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ और बहुत दिलदार भी। और कौन कहता है कि प्यार करना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ अगर मेरे से बात करके तो देखो। आप क्या रेट करना चाहेंगी दानिश? दानिश नाम तो अच्छा है वैसे, I'll give him 7। 7? हाँ। अब अगले आ रहे हैं दिल्ली के हाई रेटेड गबरू बॉय नंबर 5। सत श्री अकाल नीत जी, मैं आदित्य मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं जट हाँ। ये अच्छा। बम्बल टिंडर के जमाने में भी शादी.com वाले लड़के जिंदा है, ऐसा नहीं है, खत्म हो गए सारे। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जूता बाटा का, लोहा टाटा का, अरछो राजाटा का, कहीं कोई रीस नहीं होती इसकी दुनिया में। थैंक यू। ऑसम यार, कैसा लगा? सही यार, बंदे में दम है, बंदा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा मुझे वो क्रिस्पी फ्लेवर लगा उसकी बातों में। क्या रेट करना चाहेंगे? मतलब एक सेकंड, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टिपिकल होगा, जाटा दा शोर है ना, तू मेरी है, तू इधर नहीं देखेगी उधर नहीं देखेगी, वैसा वाला थोड़ा लग रहा है मुझे। नीत, आई हैव टू से दैट यू आर वेरी स्मार्ट, ये तो मैं भी नहीं पकड़ पाया, मैं तो लोहा टाटा का और वो सब कर रहा था। बट हाँ ठीक है, इसको मैं, अभी तक मेरा 8 मैक्सिमम रहा है तो इसको 8 ही देती हूँ। ऑलराइट नीत, तो आपने हमारे सारे लड़कों को सुनने के बाद अमन को दिए हैं 8, आशीष को 6, इस्माइल को 7, दानिश को भी 7 और आदित्य को 8। अच्छा, लड़कों से मिलने से पहले एक क्वेश्चन है, क्विक डिसीजंस ले पाती हो लाइफ में? हाँ। क्योंकि इस लेवल से आगे जाएंगे 5 में से सिर्फ 3 लड़के और ये डिसीजन लेने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड। माय गॉड, आपका टाइम शुरू होते ही वो डेस्टिनी का दरवाजा घूमने लगेगा। ओके, अगर आपको कोई लड़का पसंद है नीत, तो दरवाजा बंद होने से पहले उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाती तो वो लड़का आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक द डेटिंग एप्स, वंस ब्लॉक्ड ऑलवेज ब्लॉक्ड। Okay. It was very difficult. मतलब मुझे ये लग रहा था यार कि मे भी हो सकता है कि अगर मैंने पहले जो 3 हैं उनको सिलेक्ट कर लिया तो हो सकता है जो बाद के 2 हैं वो ज्यादा अच्छे हों,
और वो निकल जाएं। यही 10 सेकंड मिलेंगे आपको व्यूअर्स अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करने के। आपके और नीट के सब चॉइसेस मैच हो जाते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। जस्ट वॉच, प्ले एंड विन। ऑल राइट नीट, अमन एंड आदित्य, आप पहले किसको मिलना चाहते हैं? I'll go for अमन। अमन? अमन को जब मैंने सामने से देखा तो मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुई, बिकॉज उसकी आवाज से और जो उसने बोला था, मैं सोच रही थी यार एकदम होगा लंबा चौड़ा लड़का और यू नो एकदम वियर्ड और एकदम फेयर सा। ऑलराइट अमन, ये आपका चांस है, आप कन्विंस करेंगे नीत को कि वो आपको क्यों चूज करें। ओके, ऑल द बेस्ट ब्रदर। सी, बीइंग अ सजिटेरियस सबसे लॉयल पार्टनर्स होते हैं, तो लॉयल्टी में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं ना बहुत मतलब ऐसा न्यू इंट्रोवर्ट न्यू कि यार तू मेरे साथ ही रहेगी, अपने दोस्तों के साथ चिल नहीं करेगी, जाना है एंजॉय कर, लेकिन हाँ आई विल मेक श्योर कि जब तू मेरे साथ है ना तो तेरे को वो स्पेशल और वो बटरफ्लाईज मिलेंगे हमेशा। वैसे भी यार अब पता नहीं तुम रियल में ऐसे हो या नहीं हो या सिर्फ बातें कर रहे हो। डेट पे चलते हैं फिर जानेंगे ना। ऑलराइट नीत, या वक्त आ गया है आपके पहले सिलेक्शन। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है ये चूज करने के लिए कि आप अमन को एक्सेप्ट करेंगी या ब्लॉक। एन ऑडियंस, आपके पास भी इतना ही वक्त, 10 सेकंड्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, come forward. I really liked his eyes. बहुत ही प्यार से देख रहा था यार वो मेरी तरफ, तो मुझे लगा कि he's going to put some real efforts. Congratulations, आप नीत की दुनिया में एंटर कर चुके। अच्छा डिसीजन था इसका। हम आपको नीत से मिलने का और मौका देंगे, बट फॉर नाउ थैंक यू। ऑलराइट, अब बारी है आशीष की। आशीष, दिस इज योर चांस। मैं यही कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति कम बात बोले तो उसके पास कोई शब्द नहीं। हो सकता कभी कोई कम बोल जाए लेकिन वो बात बहुत बड़ी हो जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, कल किसने देखा है कि ये कल किसने देखा है, ए खुदा जो तूने मुझे आज इनसे रूबरू कराया है। मैं सबसे लीस्ट रेटेड पर्सन था तो मुझे धक-धक तो हो रहा था, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धक-धक हो रहा था, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बट मुझे जो कहना था मैंने नीत के सामने कह दिया। ऑलराइट नीत, अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट करती हैं या फिर ब्लॉक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ब्लॉक। Not impressive at all. और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड सेकेंडली उसकी हाइट छोटी है तो मेरे वैसे ही यहाँ तक आएगा। अरे बाप रे, यहाँ से दिख। उससे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी, और जैसे वो सामने आया तब भी उसने कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा यार ठीक है तू है ही लीस्ट इंटरेस्टेड तो यू शुड जस्ट गो बैक। ऑलराइट नीत, अब आ रहे हमारे जाटा का छोरा आदित्य। अच्छा लगा मुझे, बट जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने उससे भी, यार हरियाणवी लड़के भी यू नो बड़े अच्छे होते हैं दिखने में, लुक्स वाइज तो अच्छा था वो, बट उतना नहीं जितना मैंने सोच लिया था। ओके आदित्य, आपको इंप्रेस करना है नीत को। आप जो कह रहे थे कि जाटों का है तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, यार हम जट है हमें पता है। जो बंदा अपने काम के लिए इतना लॉयल है, जो चार चार महीने दो दो महीने ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ सकता है, सोचो जिसे प्यार हो जाएगा वो तो उस बंदे के लिए क्या कर देगा। तो मैं कोई 10 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील नहीं हूँ, मैं तो पूरी बॉलीवुड की पिक्चर हूँ। एक बार दिमाग में चढ़ गया ना पूरे साल में मेरी स्ट्राइक आएंगे आपको। और ये बॉडी बूडी जो सिक्स पैक है वो हम बताते नहीं है, लड़का ऐसा होना चाहिए देख के मुड़के कहे भाई खाता क्या है तू, ठीक है? तो हवाबाजी कभी करी नहीं कि मेरे सिक्स पैक है वो है, वो बंदे की पर्सनैलिटी होती है। ऑलराइट नीत, अब आपके पास 10 सेकंड है चूज करने के लिए कि आदित्य आगे बढ़ेंगे या नहीं। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं आदित्य को सिलेक्ट करूंगी या नहीं करूंगी, बिकॉज थोड़ा सा देसी टच है उसमें, तो मुझे थोड़ा सा वो देसी टच नहीं अच्छा लगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिफिकल्ट है यार, याद रखिएगा अगर दरवाजा बंद हो गया। Okay, I accept you. Come forward. आदित्य, आपको नीत की दुनिया में एंट्री मिल चुकी है। Thank you. हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। Thank you. All right, नीत, इस स्टेज से आगे
तीन लड़के जाने वाले हैं और आप ऑलरेडी दो लड़के सिलेक्ट कर चुके हैं। यस। अब सिर्फ एक ही लड़का सिलेक्ट होना बाकी। शिट यार। लेकिन choices दो हैं। Well, to make it fair on the boys, आपको इन दोनों लड़कों को मिलने का मौका मिलेगा वन बाय वन। थैंक यू सो मच। अगले लड़के की वेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इस्माइल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ दैट मुझे कितनी चीजें आती हैं। आई एम अ प्रोफेशनल वीएफएक्स आर्टिस्ट, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट एंड उसके अलावा मुझे रैपिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है, जिमनास्ट हूँ, एथलीट हूँ, खाना बना भी ना भी आता है। एक बात कहना चाहता हूँ दैट तेनू कदे नहीं करांगा मैं डबल क्रॉस, लग दिए तुझी में हैगी बिग बॉस, तेरी सोनी ड्रेस नहीं किता मैनू इम्प्रेस, जित ले है मेरा दिल जद होवेगी फ्री कदे कल्ले आके मिल। ऑलराइट नीत, आगे बढ़ते हैं। आप आ जाइए एक स्टेप नीचे। अब मिलेंगे हम हमारे आखिरी लड़के से, दानिश। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है जी दानिश और मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ और मेरे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। मुझे लगता है कि लड़कियों को अपनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेने की। तो मैं बहुत ही सपोर्टिव हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव बनो। ओके। और दानिश आ जाइए आप नीचे। डेस्टिनी के दरवाजे ने नीत की दुनिया में दो लड़कों को एंट्री दे दी है। जगह बची है सिर्फ एक की, लेकिन ऑप्शंस हैं दो।